हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। देखिए, बात करें अगर एक्सेल की, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल है और यहां पर इन दोनों नाम को एक साथ अगर लेके आना है तो एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, वो क्या है, कॉनकैटिनेट। यहां पर देखिए मैं यूज कर रहा हूं कॉनकैटिनेट। तो ये देखिए, ये कॉनकैटिनेट है और यहां पर कॉनकैटिनेट अगर आप लगाते हैं तो टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 करके और इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो यहां पर ये नाम एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बीच में गैप चाहिए तो यहां पर इस तरीके से गैप दे देंगे तो ये गैप आ जाएगा और फिर यहां से ड्रैग करवा देंगे तो सबका आ जाएगा। लेकिन एक्सेस में क्या कहानी है, एक्सेस में इससे थोड़ा सा अलग है। क्या करेंगे, हम यहां से जाएंगे और एक क्वेरी बनाएंगे। तो क्वेरी डिजाइन पर जाकर के हम वो क्वेरी बना लेते हैं और ये हमारी टेबल है, इस टेबल को यहां लेंगे। तो यहां पर हमें फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और यहां पर कॉनकैटिनेट कराना है, एक साथ लेके आना है। तो यहां पर लिख देता हूं फुल अंडरस्कोर नेम और यहां पे कॉलन लगा लेता हूं। और कॉलन लगा लेने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर सबसे पहला काम आपको करना है कि जो पहला जो फील्ड नेम है वो देना है। तो यहां पे फर्स्ट नेम है FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो ये फर्स्ट नेम है और यहां पर एंड लगाएंगे और यहां पर डबल डॉट कोट्स इस तरीके से रहेगा, फिर यहां एंड लगाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, लास्ट अंडरस्कोर नेम, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही आपको लिख देना है ये, और यहां से ओके करना है और यहां से रन करवा देना। जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके से हो जाएगा। तो एक्सेल और एक्सेस दोनों में ही चीजें समझ में आई होंगी। ओके, तो देखिए ये एक्सेस था जिसमें हमने ये क्वेरी लगाई, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर देखिए ये वो क्वेरी थी जो एक्सेस में लगाई गई थी। ठीक है, और एक्सेल तो आपने देख ही लिया, ये एक्सेल है, यहां पर ये एक्सेल में ये फॉर्मूला यूज हुआ था। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके।